हेलो प्लेयर्स, तो आप सब लोगों को फिर से स्वागत है डे ऑफ गेम्स का आर्क मोबाइल का एक और नए एपिसोड में। तो आज से जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक हार्ड सर्वाइवल सीरीज़, वो भी सोलो में। तो मल्टीप्लेयर तो अब और नहीं हो खेलूँगा, तो सोलो में ही खेलने वाला हूँ। और ये सीरीज़ में जो भी होगा सब आप लोगों के सामने ही करूँगा, बाकी तो जितना। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले सर्च कर लिया। अब भाई न्यू गेम एकदम, जो भी करूँगा भाई सीधे आप लोगों को बोल के ही करूँगा। ओके, तो आ चुका है। और कैरेक्टर कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो मैं अपने हिसाब से कैरेक्टर कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नाम। तो नाम तो अपना पहले ही रख, वो पहले वाला ही रखने वाला हूँ, रॉबिन। नाम का तो कोई चेंज नहीं होगा। और कैरेक्टर में भी मैं सोच रहा हूँ कि फ़ीमेल ही ले लूँ, क्योंकि पिछली सोलो में मैंने मेल लिया था, तो इस बार फीमेल लूँगा। तो फटाफट जो है मैं अपना कैरेक्टर को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, तो अपना कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब जोन चूज़ करना है, तो नॉर्मली मैं जो इस सेबिन इस साइड में लेता हूँ, मतलब स्पॉन लेता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है सोल मतलब इजी है और सेफ भी है, और ये भी वही। ओके, तो इस बार सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग साइड जाऊँ। तो ऊपर तो सारे मीडियम और हार्ड दिख रहे हैं, और नीचे बस एक ही, मतलब दो जगह है जो इजी है। तो इसी जगह पे जो है मैं स्पॉन लेने वाला हूँ, जो इजी एरिया है यहीं पे। तो फटाफट यहीं पे स्पॉन ले लेता हूँ। और भाई अब तो भाई इधर देखेगा उधर देखेगा, हाथ खुजाएगा, पैर खुजाएगा, सर खुजाएगा। ओके, तो इसे खुजाने देते हैं। तो थोड़ा बहुत अब इधर उधर देखने की बारी है कि कहाँ आ गया मैं अचानक। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है, तो चलो विजुअल तो चेंज कर लिया। और अपना सारा सेटिंग्स तो पहले जैसा ही है, कुछ चेंज तो किया नहीं। अब ये जाम करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन भाई तू गलत इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मेरे जाम के बटन अलग जगह पे, मतलब अब क्या। ओके, तेज़ दौड़ना है, अब स्टोन कलेक्ट करना है। तो भाई मैं इनका परस्यू कंप्लीट करता हूँ धीरे धीरे, वैसे काटूंगा नहीं भाई, देखते रहो। पता है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, अब भाई हाथ पैर तोड़ने का वक्त आ चुका है। थैच और वुड कलेक्ट करना है, देख लो कितना तेज़ मुक्का मार रहा है भाई, लड़का इतना फास्ट नहीं मुक्का मारता। तो ऊट तो कलेक्ट हो चुका है, और थैच का बारी है। ओके, थैच भी हो चुका है। तो अब पिकैक्स बनाना है हमें, वैसे मैं पीक के नाम से स्टोन पीक। तो अबे ओके चलो आ चुका है। तभी कहो इतना देर क्यों लग रहा है आने में, क्राफ्टिंग स्पीड स्लो है बहुत, पता है स्टार्टिंग में हो। अपना लेवल ही क्या है, एक लेवल है। और भाई इस टाइम ज़्यादा आशा मत रखना कि हाई लेवल डायनो टेम करूँगा। फिलहाल कोई डायनो तो दिखे, मतलब छोटा मोटा डोडोस वगैरह तो दिख जाए। अभी तो भाई डिलोफोसोरस भी खतरनाक है अपने लिए। अब तो ठीक है, कर लेता हूँ। तो भाई अभी तो भाई थोड़ा सा रिसोर्स ही कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन काम तो है नहीं। और इस टाइम तो भाई कोई डायनोस पे टेम नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी नहीं है अपने पास। जो पैसिव टेमिंग है वही भाई ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो बहुत मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई, जो लोग अपने को मारने नहीं आएगा, क्योंकि डिलोफोसॉरस भी अपने लिए फ़िलहाल ख़तरनाक है। तो थोड़ा बहुत रिसोर्स कलेक्ट कर लेते हो, और अपना लेवल भी अप करना पड़ेगा। ओके, तो अपने को तो एक डीरो देख चुका है। ओके, 30 लेवल का है, वैसे इतना कम लेवल हार्ड में। ओके, इजी जोन चूज़ किया है ना, इसीलिए शायद। तो भाई मर जा, मुझे हाइट चाहिए और थोड़ा बहुत मीट भी। ओके इसे, ओके चलो मर चुका है। वैसे डोडोस तो अभी सही है, बस थोड़ा ज़्यादा खतरनाक डायनोस देना मत, क्योंकि ये इजी जोन है, वैसे मिलेगा भी नहीं। तो मैं फटाफट जो है थोड़ा बहुत इनके यहाँ पे जितने भी डोडोस है उन्हें मार लेता हूँ। बाय द वे एक्सपी भी नहीं मिल रहा है इतना कुछ खास। ओके, अबे अबे डोडोस भी मार रहे, वाह चलो सही है भाई, डोडोस भी मारने लगे आजकल। अभी शेर को भाई ताकत नहीं है, वो बीमार है, तो मार लो जब शेर बीमार होता है। अबे कलेक्ट भी नहीं हो रहा है, जब शेर बीमार होता है चूहे भी आके लात मार के जाते हैं। चलो मार ही लो, कुछ टाइम बाद देख लूँगा तुम लोगों को। अबे देखो ये एक्सपी भी नहीं मिल रहा है सही से, लेवल 1 पे अटका हुआ हूँ अभी तक मैं, पता नहीं भाई। इजी में तो भाई पहला जो मिशन था भाई कूदने का, फिर
इधर उधर चीज़ हाथ मारने का जो मिशन था उसमें ही वही लेवल वन हो जाता था, मतलब लेवल टू लेवल अप होते थे। अबे ये भी मार रहा है। हाँ हाँ मार ही लो, अभी तुम लोगों का टाइम है, अपना भी टाइम आएगा, फिर देखूँगा। टच भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। और दो डोज दे दो, थोड़ा बहुत हाइट। और भाई मैं काम करता हूँ, मेरा लेवल अप थोड़ा सा कर लेता हूँ, इन डोडोस बडोस को मार के थोड़ा बहुत स्टोन इकट्ठा करके। बाय द वे ज़्यादा हाई लेवल तो मिला नहीं अभी तक, बस 130 लेवल मिला। और भाई तू मत मारना। ओके चलो मर गया मरने से पहले ही, तो मैं अपना लेवल थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। ओ भाई कितना कुछ कर लिया अभी तक, भाई लेवल अप नहीं हो रहा है। चलो फाइनली जो है एक लेवल भरा अपना, मतलब तब से कितना कुछ कर रहा हूँ, कितने डोडोज मारे, पेड़ तोड़ा, स्टोन तोड़ा। तो मैं फ़िलहाल मूवमेंट स्पीड में ही बढ़ाऊँगा क्योंकि भागने की ज़रूरत पड़ सकता है। भाई इतना कुछ करने के बाद जाके एक लेवल बढ़ा, सोचो 50 पॉइंट पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है फिलहाल। और जब भाई 1 लाख 50 लाख पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगा तो भाई क्या ही को फट के हाथ में आ जाएगा। तो इसका तो भाई कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो फिलहाल इन चीज़ों को अनलॉक कर लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। और शायद मेरे पास बनाने की सामान भी होगा। या अब इन लोगों का काम देना फिर से स्टार्ट हो चुका है। चलो ले लिया, अब क्या, अब छोड़ना है निकी, या अब छोड़ना है भाई, हाथ में पकड़ो फिर छोड़ दो। अब खाना भी खाना है, चलो थोड़ा सा खाना हॉट बार में सेट कर लेता हूँ, मतलब फटाफट हो जाएगा वरना वहाँ से खोल के। ओके चलो खाना खा लिया, अब पानी पीना है। भाई पैरासर हट जा, पता है तू कुछ नहीं करेगा, पता नहीं। अबे पानी तो पिया, अब फिर से अबे नहाना है या फिर पीना है, ठीक सही से बताओ ना। पता चला कि पैरासर भी आके मारने लगे इस टाइम पे, फिलहाल उनसे दूर ही रहते हैं। तो अब पे सेविंग, भाई तू दूर रहा पहले। तो इन चीज़ों को भाई क्राफ्ट कर लेता हूँ, टॉर्च भी बना ले तो रात के काम आएगा। और या इसको भी बना लेते हैं अगर किसी को अनकॉन्शियस करने की ज़रूरत पड़े तो। भाई कितना स्लो चल रहा है। तो फटाफट मैं एक अच्छा सा प्लेस ढूंढ लेता हूँ, वैसे अच्छा प्लेस ढूंढना ही कहाँ पे, यही पे तो बनाना है। तो थोड़ा सा सामने चल के फिर बनाता हूँ। भाई अभी तक लोग नहीं बना। ओके चलो बन चुका है, और इनका काम देना बंद हो गया, चलो सही है। भाई तुम लोगों, भाई तुम लोग दूर ही रहना मेरे से, डोडोज भी मार रहे हैं आजकल, क्या कहूँ। तो ये थोड़ा सा फ्लैट एरिया दिख रहा है तो यहीं पे बना लेते हैं, जगह भी थोड़ा सा बड़ा है। और पहले हॉट बार में सेट कर लूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। ओके तो या देख सकते हो कितना सारा सामान भी कलेक्ट किया मैंने। तो चलो पेड़ लगा दिया, और भाई खाना खाने के लिए भी तो चीज़ें डालना पड़ेगा। मीट तो बहुत है लेकिन ऊड नहीं है, क्या कहाँ से मिलेगा भाई। ऊड का जो एक्स होता है वो तो मिला ही नहीं अभी तक हमें। तो फटाफट जो है मैं अपना लेवल अप और कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं, देखते हैं। अब तो भाई मुझे सिर्फ रिसोर्स ही कलेक्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ओके अपने को तो एक और डोडो दिख चुका है, सोच रहा हूँ कि इस बार डोडो को टेम कर लूँ, क्योंकि अपने पास टेम करने के हथियार भी आ चुका है। तो भाई नॉक हो जा, अबे मारना मत प्लीज़। एक तो भाई अपने पास कोई शील्ड वील्ड भी नहीं है। ओके अब शिट, एफेक्टिवनेस कम हो गया। चलो सामने एक और मिल गया इसे भी। ओके ज़्यादा हाई लेवल है, चलो अच्छा हुआ, उसको नहीं चाहिए अपन को फिलहाल। भाई तू आ जा। अबे पीछे कौन है भाई, तूने फेंका फिर भी भाई नहीं लगा, चलो सही है। अबे ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, चलो इसे भी टेम कर सकता हूँ मैं। एक काम करता हूँ इसे ही टेम करता हूँ। और हाँ कोई भाई ये मत कहना कि ओके नहीं लगा क्या, इसका इफेक्टिवनेस तो नहीं लगा, आवाज़ तो नहीं है, चलो कम नहीं होगा। और भाई कमेंट पे कोई ऐसा मत कहना कि भाई लो लेवल टेम कर रहे हो, भाई अपने भी तो लेवल देखो, मेरा 2 लेवल है सिर्फ, इसका 10 लेवल है, अपने से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, 5 गुना हाई लेवल का है। अबे डोडो खा गया, ओके रहा डोडो। तो इससे थोड़ा सा मीट ले लेता हूँ मैं, वैसे इसे मारना ही पड़ेगा फिलहाल। अपने को जो अच्छी चीज़ मिल गई तो भाई, वैसे भी उसका लेवल बहुत कम है पता है, फिर भी भाई थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाएगा डोडोस बोडोस को मारने के लिए। और आई होप कि मेरे से ज़्यादा ये मीट कलेक्ट करेगा, इतना तो लगता ही है।
तो थोड़ा सा नार्को बेरीज दे देता हूँ, क्योंकि फिलहाल तो नार्कोटिक है नहीं, तो देखते कितने। ओके 37% हो रहा है, चलो सही है, 3 मिनट में काम हो जाएगा। वैसे वो डोडो कहाँ गया, उसको भी तो टेम कर सकता हूँ ना मैं। ओके इधर थोड़ा सा वैसे सेफ एरिया ही है, वैसे भी और कोई डिलोफोसोरस तो नज़र आ नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा उधर देख इधर उधर देख के आता हूँ, अगर कोई और डोडो मिल जाए तो भाई उसे टेम करूँगा। वैसे हाँ इतने से तो खाना से हो जाएगा ये। ओके पैरासोर घूम रहा है, वैसे पैरासोर का तो औकात है नहीं, क्योंकि इसे तो भाई टच करने ही भाई भागने लगेगा। भाई तुझे भाई इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा है, इसे मैं टेम नहीं करना चाहता, बेकार है, कुछ काम का नहीं है, बस सिर्फ अंडे के लिए यूज़ है इसका। वैसे तो इतना हाई लेवल भाई टेम कर क्यों करूँ, सिर्फ अगर अंडे के लिए टेम करना है तो। जितना लो लेवल हो सके उतना। अबे सेबिंग भाई तू दूर रहे मुझसे, जब ज़रूरत पड़ेगा मैं सेव कर लूँगा। और भाई सही जगह पे आके अटकाए भाई, अब तो भाई एक गया काम से। क्यों तू मरना चाहता है अपने हाथ में, तो पहले बोलता था वहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे आके फंसने की क्या ज़रूरत थी। ओके तो थोड़ा बहुत स्टोन भी मिल चुका है, और अब तक तो शायद वो टेम भी हो चुका होगा। तो कितना लेवल हुआ उसका, ओके 13 लेवल हो चुका है, चलो सही है, चला जा अपने साथ। वैसे सोच रहा हूँ कि आज के एपिसोड भाई यहीं पे ख़त्म करते, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कुछ खास तो हुआ नहीं, बस एक डिलोपोसोरस टेम किया और कुछ डोडोज मारे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस हार्ड सीरीज़ का और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी ऑल पे करके रखना। और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय। अच्छा चलते हैं।